नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक बहुत भीड़ भरे बाज़ार में खड़ी हूँ एक जगह जाने के लिए, जहाँ पर जाने के लिए लाइन लगी है। वो बहुत यादगार जगह है और यहाँ जाना चाहिए। तो मैं अभी आपको अपना नंबर आने के बाद जब अंदर जाऊँगी तो अंदर से दिखाती हूँ वहाँ का सारा हाल। वो तो एक ही गई है ना। एक्सक्यूज मी, थैंक गॉड हमें शेयरिंग नहीं करनी पड़ी है, हमें सेपरेट टेबल मिल गया है। बहुत छोटा टेबल है और ये अच्छी बात है कि इसके ऊपर ही इसकी हिस्ट्री का पूरा बोर्ड लगा हुआ है। ये है लियोपोल्ड कैफ़े, ये मशहूर है ईरानी कैफ़े के लिए क्योंकि ये एक ईरानी ओनर का कैफ़े है और बहुत ज़्यादा खाना पीना है यहाँ पर। मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट एंड बार है ये, बैठने के लिए बहुत अच्छी जगह है, अच्छा फील आता है अंदर, वाइब्स अच्छी है। रश बहुत है इसलिए शोर बहुत ज़्यादा है, जो कि मैंने आपको इसकी आवाज़ें नहीं सुनाई हैं। लेकिन उसके बाद यहाँ पर खाने पीने के रेट्स भी मुझे तो बहुत ज़्यादा हाई लगे थे, पर मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट है तो एक बार आना है तो अपनी चॉइस का कुछ ना कुछ आइटम तो हम यहाँ ले ही सकते हैं। और सबसे ज़्यादा ये कैफ़े मशहूर हुआ है 2008 के बाद, क्योंकि जब फायरिंग हुई थी मुंबई अटैक्स के टाइम, उस समय यहाँ पर भी फायरिंग हुई थी। और इस रेस्टोरेंट की जो एम्बियंस है वो पहले बहुत अलग तरीके की थी, बहुत पेंटेड थी वॉल्स और एकदम अलग टाइप का था। लेकिन जब यहाँ फायरिंग हुई उसके बाद ये सारा डेकोर चेंज किया गया, क्योंकि मैंने गूगल पर यहाँ की पिछली फ़ोटोज़ देखी तो उसमें एम्बियंस कुछ और टाइप का था। और ये ऊपर की मंजिल में भी सिटिंग एरिया इन्होंने बनाया हुआ है और यहाँ पर हर एज के लोगों को मैंने देखा काफ़ी खा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ टाइम पास कर रहे हैं। तो हैंगआउट करने के लिए बहुत अच्छी जगह है। और कुछ रेट्स अगर देखना चाहो तो आप इसमें देख सकते हो। और उसके अलावा यहाँ पर जो हमने ऑर्डर किया वो खाया, और उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि ये जो आप होल देख रहे हो ये एक बुलेट का निशान है, यहाँ पर गोली लगी थी। और उसी तरीके के और बहुत सारे यहाँ निशान हैं, मैं जितने आपको दिखा सकूँगी दिखाऊँगी, क्योंकि यहाँ इतना रश है कि ज़्यादा ये सब करना ठीक नहीं लगा मुझे। और वो पोल आप देख रहे हो, अगर वहाँ आप देखो तो वहाँ पर भी डैमेज है। ये इन्होंने बुलेट के निशान को एज इट इज़ रखा है, जो कि अब यहाँ की एक स्पेशलिटी बन गई है। लोग आते हैं यहाँ एक मेमोरेबल डे बनाने के लिए अपनी लाइफ का। यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है, इस डोर पर भी बुलेट का निशान है, अगर आप देख सकते हो। इस वॉल पर भी बुलेट के बहुत सारे निशान हैं, तो मैं अगर दिखा पा रही हूँ तो दिखाऊंगी। ये ऊपर जाने वाला डोर का निशान पर बुलेट, और ये भी बुलेट का निशान है। इस वॉल पर भी बहुत सारे निशान हैं। यहाँ पर भी निशान है जो कि क्लियरली दिख नहीं रहे अभी। यहाँ पर बेकरी के आइटम्स हैं, अगर जाकर ऑर्डर करना हो तो कुछ भी लिया जा सकता है। वैसे मेन्यू कार्ड में भी सारी चीज़ें मेंशन की हुई हैं।
ये वॉशरूम जाने का रास्ता है जहाँ से मैं वापस आते हुए आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि वो सामने अगर देखो आप वॉल पर भी बुलेट का निशान बना हुआ है। इस तरीके के और बहुत सारे निशान हैं यहाँ पर, लेकिन मैं जितने आपको दिखा पाई दिखा रही हूँ। और ये है बाहर जाने का गेट। यहाँ से जब हम बाहर आते हैं तो हम गेटवे ऑफ इंडिया चले जाते हैं, ये वहाँ की एक रोड है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट माय वीडियो और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और देखिए बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियो। फिर मिलती हूँ किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय। मुंबई में कोलाबा पुलिस स्टेशन के पास में ये रेस्टोरेंट है। यहाँ पहुँचने के लिए हम कैब ले सकते हैं या अपना व्हीकल हो तो उससे भी आया जा सकता है। मुंबई के बारे में बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पर आप देख सकते हो। और अब मैं जा रही हूँ गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ।